Assalamualaikum. खवातीनों हजरात, यहाँ हाजिर हमारे जनाब मुमताज खान साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, सारे कॉरपोरेटर्स, हमारे डिपार्टमेंट के हमारे भाई डीसीपी साउथ जोन सचनारायण साहब, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बाबूराव साहब, एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती साहब, हमारे सभी इंस्पेक्टर्स, सभी ऑफिसर्स, सबसे पहले तो आप सबके खिदमत में आदाब। आज पिछले एक डेढ़ घंटे से जो यहाँ का माहौल देखकर एक पुराना जोश हमारे अंदर भी आ गया है। एक ऐसा समय लगता है कि आज से करीब 30 साल 40 साल पहले जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ा करते थे, तो उस समय हमारे यहाँ इस तरह के पुलिस का माहौल नहीं था। जैसा कि अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि पुलिस का रोल ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर से लोग जुड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन आज साउथ जोन में खास करके डीसीपी सत्यनारायण साहब के आने के बाद से एक नया माहौल, एक नया जोश जो पैदा किए हैं इन्होंने, वो काबिले तारीफ है। अगर सही माने में अगर आप देखिए, एक नया जनरेशन, एक नई फसल, उसको छोटे समय से ही पानी देना, उसका गाइडेंस करना, उसको बाकी सब चीज से बचा कर रखना, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। और बाबूराव और साउथ जोन डीसीपी जो मिलकर एक नई फसल तैयार कर रहे हैं, जिसका कि आने वाले समय में, आने वाले 5 साल 10 साल में इस हॉल में बैठे हुए लोग और खास करके जो तरह तरह के स्कीम शुरू किए हैं, उससे जिस बच्चों को फायदा मिल रहा है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पे रहेंगे। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीके से जो बच्चे भी आगे जाकर, जिनको कहीं अच्छी नौकरी मिल रही है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, दिल में हमेशा ये बात को ख्याल रखना कि आपको जिस तरीके से मदद हुई है, आप भी कम से कम 5 बच्चों को जरूर मदद करना। सबसे बड़ी इंसानियत यही है, सबसे बड़ा मजहब भी यही है। आपको अगर एक इंसान मदद कर रहा है, आप बदले में 5 को मदद करो। जहां तक पुराने शहर का सवाल है, अभी 10 दिन पहले हमारे कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब और कुछ और अफसरान अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में जब जाएंगे, वहां के पुलिस ऑफिसरों से मुलाकात होगी तो कुछ गिफ्ट क्या दें। तो हमने कहा कि पूरी अमेरिका का इतिहास 250 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, और हमारे यहाँ चार मीनार 400 साल पुराना है, तो एक चार मीनार का आप रेप्लिका लेके जाइए, सबसे बड़ी चीज यही है। तो अगर चार मीनार का जिक्र आता है, तो चार मीनार का जिक्र इसलिए भी आता है कि जिस समय हिंदुस्तान में और जिस समय दुनिया में छोटी छोटी बिल्डिंगें बनती थी, जहां इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के बहुत बड़े नमूने नहीं थे, उस समय यहां हैदराबाद में चार मीनार बना था। तो चार मीनार का टेक्नोलॉजी, पुराने शहर का टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का टेक्नोलॉजी, समझिए क्या है, जो कि 400 साल के बाद भी इमारत अभी बुलंद है। तो इस तरीके से अगर आपके अंदर एक लगन हो, आपके अंदर एक जोश हो और एक सही गाइडेंस मिले, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया, छोटे छोटे गलतियों के कारण बेशकीमती जान चली जाती है। जान तो चली जाती है, लेकिन एक जिंदगी भर का दर्द परिवार को, गार्जियन को, रिलेशन को, सबको रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद ही केवल सही रास्ते पर न चले, नेक रास्ते पर न चले, बल्कि जो दूसरे भटक रहे हैं या किसी कारण इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको भी रोकें।
सबसे बड़ी इबादत, जैसा कि हमारे एमएलए साहब ने कहा कि अपने अपने पेरेंट्स, अपने माँ, अपने अब्बा जान की इज्जत करें और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, इससे ज्यादा खुशी की बात और किसी फादर, किसी पिता, किसी अब्बा हुजूर को नहीं हो सकता है कि हमारा लड़का हमारे सामने हमसे ऊपर हो। तो ये खुशी देने का कोशिश करें। और अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो अभी नए लोग हैं, मैं कहता हूं कि आपसे ज्यादा लकी जनरेशन शायद कोई नहीं रहा होगा। जब मैं क्लास 8 में था, उस समय पहली बार मैं टेलीविजन देखा। जब मैं कॉलेज में गया तो पहली बार पीसीओ बूथ से फोन पे बात हुई। जब मैं नौकरी में आया 1990 में, पहली बार उस समय मैं कंप्यूटर को टच किया। और आज आप लोग सब 2-3 साल की उम्र में ही ये सब सब काम करते हैं। तो ये जनरेशन कितना लकी जनरेशन है, इस चीज को, इसका यूज कीजिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखिए, इसके नेगेटिव चीज में न जाइए। वीडियो गेम्स भी बहुत हैं, वीडियो गेम्स में घंटों लग जाते हैं लोग, समय बर्बाद, उससे कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया बिना मतलब का चैट कर रहे हैं एक्स वाई जेड, जैसे पहले पुराने जमाने में और अभी के समय में भी कुछ जगह होता है जिसको कि हमारे डीसीपी साहब ने बंद करने की कोशिश की, चौरस्ते पे जाकर बैठकर बिना मतलब का गप करना, समय बर्बाद करना। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो चौरस्ता फेसबुक है, जो पहले वो चौरस्ता आपके मोहल्ले में था, वो चौरस्ता अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और तरह तरह की चीज पर घंटों पर बात कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। समय बहुत अनमोल है, प्राइसलेस है, एक बार गुजरा हुआ वक्त कितनी भी आप पैसा खर्च कर दें वो दोबारा नहीं आता है। अमीर से अमीर लोग भी, अंबानी से लेकर कोई भी, गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते हैं और खरीद नहीं सकते हैं। हर लम्हा उसकी कीमत को समझिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि लोगों ने कहा, अपने परिवार, अपने समाज, अपने शहर को ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए कि जिसमें आने वाला जनरेशन आपके ऊपर फख्र करे। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के आने से, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से हमारे डिपार्टमेंट को एक एनकरेजमेंट मिलती है। और साथ में हम दोनों एमएलए साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके गाइडेंस में, जिनके कोऑपरेशन से हमारे डिपार्टमेंट में जो मजबूती आती है, वो एक नया जोश के साथ हमारे डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोग सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो पुराना शहर है, यहाँ से हजारों हजारों बच्चे ऐसे निकले जो बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।